पुलकित की पाप कथा में अंकित का डर्टी डांस, चश्मदीद की जुबानी अंकिता के टॉर्चर की कहानी, मदद के लिए चिल्ला रही थी अंकिता, नाच रहा था अंकित, अंकिता हत्याकांड में चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा। अंकिता हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलकित के साथी अंकिता के टॉर्चर की डर्टी पिक्चर सामने आई है। एक चश्मदीद की जुबानी अंकिता के टॉर्चर की कहानी, जब मदद के लिए चिल्ला रही थी अंकिता और डांस कर रहा था अंकित। चश्मदीद ने अंकिता मामले में जो आंखों देखी बताई है, उसे सुनकर यही लगता है कि अंकिता के साथ टॉर्चर की हदें पार की जा रही थी। रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि 18 सितंबर को वो पहली मंजिल पर मेहमानों का सामान रखने वाले रूम में था, तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, अंकिता भंडारी, हेल्प मी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से जाना है, चिल्ला रही थी। चश्मदीद के मुताबिक अंकिता भंडारी रो रही थी और अंकित बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था, गेस्ट आए हुए हैं। उसने बताया, मेरा भाई जैसे कमरे में आया तो मैम अंकिता भंडारी फोन पर चिल्ला रही थी, कह रही थी मेरी हेल्प करो। वैसे रोज जब मैं आता था तो अंकित सर मुझे बैठने के लिए कहते थे, लेकिन उस दिन कमरे से जाने के लिए कह दिया, मुझे कुछ सही नहीं लगा। अंकित सर कमरे में घुसे और अंकिता भंडारी के साथ नाचने लगे। अंकित ने अंकिता भंडारी को कमरे से बाहर निकाला और सौरभ की बाइक पर बैठाया। इस दौरान अंकिता भंडारी रो रही थी। सभी लोग रात 8:30 बजे रिजॉर्ट से निकले, उसके बाद मैम का फोन नहीं लगा। हम लोगों ने काफी कोशिश की। चश्मदीद के बयान से साफ है कि अंकिता के साथ ज्यादती की हदें पार हो रही थी। कभी पुलकित तो कभी अंकित, हर तरफ से वो टॉर्चर के थपेड़े झेल रही थी। वो बस वनंतरा के भंवर से कैसे भी निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। आइए अब आपको सुनवाते हैं चश्मदीद की आंखों देखी। रूम में मैम के, अच्छा मैम के, हाँ। फिर मैम के रूम में थे वो, हाँ। वो बोले मतलब कि मैम तो रो रही थी, हाँ। अब वो गुस्से में थे एकदम, हाँ। फिर मैं बाहर गेस्ट आए, उनका सामान वामान निकाला मेरे भाई ने। कितने बजे की बात है? शाम को 5:30 से 6 तक के बाद। वो तो पता नहीं कब से थे रूम में, हाँ। आधा घंटा तो मेरे सामने थे, हाँ। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई जैसे ऊपर हो गए ना, हाँ। तो मेरा भाई अंदर से बैग रख के आ रहा था, मैं जैसे बाहर निकला मैम फोन पे चिल्ला रही थी, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। सर ने मुंह भींचा और जो भी मतलब कि छीना सकते मुंह भींच रहे थे जो भी। जैसे मैं, मुझे पता चला ना ये कुछ प्रॉब्लम है नीचे, तो हम नीचे आए ना, हाँ। तो वैसे तो हमें बोलते हैं नीचे बैठो आप जाके, और जैसे मैं नीचे अपने भाई को लेकर आया, फिर हम नीचे चलते हैं, इतना डर लग रही मुझे तो यहाँ पर। तो जैसे हम नीचे आए, अंकित सर आए, अंकित सर ने कहा जाओ जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, ऊपर जाओ, तुम हमें ऊपर भेज दिया गया। फिर भैया बोलते हाँ तुम्हें ऊपर भेजते होगा। फिर मैं नीचे गया बाद में, रात के टाइम 8 के आसपास का टाइम होगा, और ऊपर ही हो क्या पता शायद। तो फिर सौरभ सर और अंकित सर और पुलकित सर, अंकित सर जो ना रूम में घुसे, मैम जो ना खड़ी थी, और अंकित सर ने नू हाथ करके मतलब कि ऐसे नाचा उनके सामने, और वो रो रही थी। उधर अंकिता हत्याकांड में एसआईटी की टीम सबूतों को चुन चुन कर न सिर्फ जुटाने में लगी है, बल्कि आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल कर साक्ष्यों को जुटा भी रही है। एसआईटी ने हत्याकांड में साइबर एक्सपर्ट की टीम को भी लगाया है, जो घटना स्थल पर वारदात के वक्त एक्टिव मोबाइल आईडी को स्कैन कर रही है। एसआईटी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई घटना के वक्त मौके पर अंकिता समेत 4 ही लोग थे, या इस साजिश में कोई और भी शामिल था।